हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेशन। मैंने कहा आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वॉइस ऑफ नेपाल सीजन 2 बेस्ट ब्लाइंड ऑडिशंस। इसके हम दो बंदों के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, बाकी बाद में करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। जिस तरह हिस्ट्री ऑफ नेपाल के पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह किया है। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, 21 मिनट्स की वीडियो है। सो इतनी बड़ी वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं देने वाला। सो ओनली हम टू बंदों के ऊपर रिएक्शन देंगे। ब्लाइंड ऑडिशंस क्या है इसके बारे में रिएक्शन देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका रिक्वेस्ट अभी थोड़ी देर पहले आया, मैं किसी और ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दे दिया है। सो हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक इट आउट कर सकते हैं इनके चैनल को एंड वीडियो को भी। लुक अच्छा है इसका, बस लग रहा है। क्या करता है देखते हैं। चहाना मनमा बढ़ाई ल्यायो कि आवारा मौसमले चढ़े आँखें माँ बुझलन करीले यु पल पल को आवाज हो ठीक दैनन कोई यहाँ उड़ायो हवाले ओ मन उड़ायो हवाले उड़ायो हवाले यो हवाले गुंजने यो आवाज को भावना छोपे गिले सुस्तारी को लाही न बुझने मौसमले यो मनको कुरा चढ़े आँखें माँ बुझलन करीले यो पल पल को आवाज हो ठीक दैनन कोई यहाँ। यार अगर दोनों लड़कों की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग गाया, बहुत ही एनर्जेटिक आवाज़ थी। पहले वाले में तो थोड़ा टाइम बाद जो है ना जजेस चेयर अपनी जो है ना साइड पे करके दोबारा उसके सामने लाया, बट फेल दूसरे वाले में टक से दोनों आ गए वापसी, मतलब दोनों एक साथ बहुत ही उस तरह, मतलब
अमेजिंग लगा और यू नो केयर अच्छा इस तरह होता है. बट लगता है जैसे कि ऑडिशंस, ये ऑडिशंस मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले इनके कई ऑडिशंस हो चुके हैं, फिर उसके बाद इनको इस शो में बुलाया गया और इनसे परफॉर्मेंस ली गई कि कैसे तरह ये गाते हैं, किस तरह मतलब इनकी सांस है और इससे किस तरह राग वगैरह रेडी है इनके कि नहीं, सिंगर बनने की मतलब वो क्वालिटी है इनमें कि नहीं. बट जैसे ही आए सेकेंड वाले, और सेकेंड वाले की आवाज़ आपको पता है या एक इंडियन सिंगर है, मेरा नाम भूल गया वो, उसके भी काफ़ी अच्छे गाने आते हैं, उसी की तरह थी, उस तरह वो अच्छी आवाज़ थी. एंड मुझे लगा बहुत ही अच्छा इसका आवाज़, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का भी अच्छा है, सेकंड वाले का भी अच्छा है. बट अगर बात करें इस ऑडिशंस की, तो ये आई थिंक 2019 के सेप्टेम्बर में आ चुके है ये वीडियो, और ऑलरेडी एक और चैनल ने रिएक्शन दे दिया है. वैसे मैं भी थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा और मेरे पास यार मोबाइल पड़ा हुआ इंस्टाग्राम से, आएंगे भाई रिएक्शन दो, तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ. तो मैंने बोला अच्छा, मैंने देखा तो यार देखा तो कुछ टाइम पहले ही किसी और ने रिएक्शन दे दिया, आपको पता है जिस चैनल का नाम, एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा. बट जो भी है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि इस सिंगर को क्या बोलते हैं सपोर्ट करना चाहिए. और मुझे नहीं पता कि यार ऑडिशन में कौन जीता और फिर परफॉर्मेंस किसने जीती, जैसे कि फाइनल जैसे होता है ना, फाइनल शो फाइनाले किसने जीता, कौन सिंगर बना है और किसको ये क्वालिटी है किसमें के यार कौन जीत पाएगा मतलब ऑफ शो में. सो जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड फाइनल में कौन जीता ये भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही चाहते हुए मैं क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बंदे के सेकंड वाले की आवाज़ के ये आगे गया है कि नहीं. फर्स्ट वाला अलग तरीके से गा रहा था, सेकंड वाला अलग तरीके से गा रहा था, बट जो भी है बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी दोनों की, साउंड की और वॉइस की, तो बहुत ही मुझे अमेजिंग एनर्जेटिक वॉइस लगी और पेनफुल दर्द भरी आवाज़ जो किसे कहते हैं ना वो मुझे लगे, दोनों के तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे. आपको कैसे लगे आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हो कि यार आपको क्या लगता है. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक इट आउट कर सकते हैं इनके चैनल को एंड वीडियो को भी. बट यहाँ पे मैं इस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं दोनों लड़कों की बात करूँगा. बहुत ही अमेजिंग आवाज़ था और एनर्जेटिक आवाज़ था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. अपनी राय बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करें. ब्लॉग चैनल का लिंक दोनों साइड पर दिख रहा है, तो आपको भी इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो. आज के लिए निकल भी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़.